आ गए पापा। पता नहीं पापा क्या हुआ, पहले तो मोटे थे पतले कैसे हो गए, इनको जिम जाने का शौक पड़ा हुआ है। पापा काजू, पापा और ये नहीं पहचाना, मैं वही देख रही थी, पहचानता नहीं पहचानता, नहीं पहचाना कोई, नहीं पहचाना, हाँ बिल्कुल भी नहीं पहचाना। वही किस आदमी को पकड़ा दे, काजू आजा तू, तो आजा पहचान लियो। हाय राम, टाटा करते मम्मा को, टाटा जा, जाओ मैं जाऊं, बाय जा। अजय तू बिल्कुल बिल्कुल एहसान परामोश टाइप का बच्चा है यार, किसी काम का नहीं है। देखा है पेट कहाँ गया, देख तो भाई मैं छोड़ गया, तो मोटा आदमी था ये, पतला कैसे हो गए। चलो चले, काजू बाय, बाय बेटा, कोई बाय वाय नहीं, वो सब अंदर ही आएगा, देख रहा, बाय कर दे पापा को जल्दी से फटाफट, चले बाय कर दे पापा को। काजू कंफ्यूजन में हो गया कि वो क्या रहा है साला, मेरे को एक साथ क्यों ले जा रहे दोनों। मैंने पति को बोला नमकीन लेना है, तो पति बोल रहे कि मैं डाइट पर, कौन सी डाइट है भगवान जाने, ये क्यों कर रही है पता ही नहीं। पति क्या जरूरत आ रही थी डाइट करने की, क्या मतलब बेफालतू डाइट, और भी अब वापस नाटक, मैं ना वो नहीं खाऊंगा, और ऐसे तो मिठाई खाने में ना एक्सपर्ट है मेरे पति, पर अभी नाटक करेंगे, मैं शक्कर नहीं खा रहा, मैं नमकीन नहीं खा रहा, मैं ऑयल नहीं खा रहा, मैं खा लूंगा। चलो चले अभी, और काजू और पापा खेल, नहीं काजू को वैसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो आया नहीं, इतना वाओ खुश नहीं हुआ काजू। काजू घर तो आ गए, चलो तो काजू को बोला काजू मेरे पास आ, तो आ ही नहीं रहा भैया, ये है कैसा भाई, ये मेरा बच्चा है कैसा, दल बदलू बहुत मन में बिल्कुल, बहुत ही खराब बच्चा है मम्मी, तो बहुत ही खराब बच्चा है भाई, मेरे पास नहीं आ रहा, देखो देखो कैसे जैसा, ओ कितना दीवाना है, दीवानगी अलग है भाई, काजू की तो दीवानगी अलग है भाई, बिल्कुल पागल हो गया। अरे देख देख मनी मन मुस्कुरा रहा है, तो मनी मन कर रहा है, और भाई नहीं ओ भगवान ये बच्चा है कैसा, मैं जा रहा हूं पान, ना नहीं सरप्राइज हो गया, मेरे पास कैसे नहीं आ रहा, बहुत दिनों बाद पापा मिले मुझे। अरे राम, तो पति अभी हेल्थ कॉन्शियस डाइट पे है, तो पति के लिए बनाती हूँ ग्रीन टी, क्योंकि आमला से पड़ा हुआ था, आमला से बनाया था मैंने, बट पति तो डाइट पे शुगर नहीं खाएंगे, तो अब बनाते ग्रीन टी। वो ग्रीन टी तो बन गई है, ग्रीन टी देते हैं, मैंने पोहे की तैयारी कर ली है यहाँ पे, पोहे किस में आलू डाल रही है आप, पोहे में, अच्छा अच्छा, एक आप आलू छीलोगे और काटोगे, से मेरा दिमाग क्या फजी रहने दो। देखो देखो आंख में आके देखो मम्मी, सही चाय दे के आते हैं। पति को थोड़ा ऑफिस का काम है, तो वो तो ऊपर गए, और काजू पीछे पीछे जा रहा है, कैसा लड़का है, मतलब मेरे ना बाय ना कुछ भी नहीं कर रहा आजकल, मेरे से तो ऐसा नफरत कर रहा है लड़का। काजू मम्मा हूँ मैं, भूल गया क्या तू, दल बदलू कोई मतलब ही नहीं है भगवान, ऐसा दल बदला है भैया क्या करूँ। और ये पति की हेल्थ कॉन्शियस वाली मील, अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी है ये देख के आती हूँ, उसके बाद कमल तो यहाँ पे काम करते हैं, यहीं पे इसी वाले एरिया में नेटवर्क आता है, और काजू देखो कुछ ना कुछ तो कांड कर ही देगा। काजू पापा ये ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी तो काजू पी रहा है, ये पीना नहीं पीना यार, डाइट कॉन्शियस काजू पिला दो, देख रहे हो शुगर नहीं ले रहे पति देव, पति कौन सा टाइप का वो लगा है डाइट का। हाय राम, जब मैं ये आदमी को छोड़ के आई थी तब तो एकदम तोंद वोंद निकली हुई थी, पति क्या हुआ आपको है। काजू को ले जाती हूँ मैं नीचे, काजू यहाँ परेशान कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है इनको, यहाँ नेटवर्क का इतना भयंकर प्रॉब्लम है, तो पति कॉल में बिजी है तो चुप करा जाते हैं, चुपचाप ही देते हैं और जाते हैं, क्योंकि पति बिजी हो रखे हैं। तो दोस्तों पति के नाटक स्टार्ट हो गए, मेरे से बोल रहे हैं कि ना मैं ना इतना डाइट कॉन्शियस हूँ कि ना मैं बिल्कुल चीनी नहीं खा रहा, तो मैं क्या करूँ, लेकिन जूस भी पिया नहीं जा रहा, मैंगो शेक भी पिया नहीं जा रहा मेरे पति को, और मेरे से बोल रहे नमकीन भी, मैं तेरे पोहे में तो नमकीन डाल दिया, नमकीन भी नहीं खा सकता मैं, और अभी मेरे को ना वो कट्स दिखा रहे थे,
कि देखो मेरे यहाँ पे कट्स आ रहे, पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे कट्स आ रहे, क्या आ रहे थे पति क्या बोलते हैं उसको, मुझे ये भी याद नहीं है क्या बोलते हैं, सिक्स पैक्स भाई पति ने ऐसी ऐसी जिम करी, ऐसी बॉडी बनाई, सिक्स पैक्स में तो एक भी पैक नहीं दिखा मुझे, खैर पता नहीं पति क्या पूरा जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे, हाँ एक आ रहा होता, एक थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था, बाकी कोई बात नहीं, अब मैं वापस ना नॉर्मल वाले पे ले आऊंगी, यार टोन बढ़ी रहती है ना वो ले आऊंगी, ठीक है वापस खराब होने वाला है, क्योंकि मैं दाल बाटी बनाऊंगी, दाल बाटी पचेगी नहीं, और ये जो ये कम सी शरीर जो किया ना पति ने ये कुछ भी नहीं पचता, ये वाले शरीर में ऐसा ही होता है, कुछ भी नहीं पचता ना, शुगर पचती है ना, नमकीन ना बेसन कुछ भी नहीं पचेगा पति को, दाल बाटी भी तो अभी देखना रात में बताऊंगा मैं पति की हालत आपको, अभी खा लेंगे उसके बाद में आपको बताती हूँ क्या होएगा, और आज हमको शायद है ना कि पति को टाइम हो जाए, पति फ्री होगी क्या बीच में, एक वो दीदी भैया का मिल जाए था, अगर पति को टाइम मिला तो वहाँ पर भी चल जाएंगे एक बार, और फिर साथ के साथ अमित भी और आरजी दीदी थी ना उनको भी सरप्राइज देने चल जाएंगे, पर उनके साथ में दिक्कत है अगर वो नहीं मिले ना तो हम खुद सरप्राइज हो जाएंगे, और काजू नीचे जो परेशान कर रहा है बाप रे नाना नानी को, मतलब वो करता ही है पर आज कुछ ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो नाना नानी उसको ऊपर आना नहीं दे रहे ना, क्योंकि कमल काम कर रहे हैं, तो नाना नानी को जो परेशान कर रहा है, नानी को परेशान कर रहा है, मार रहा है नानी को, ओहो काट रहा है, ए भगवान नानी काट लिया, ले आ जा जा जा, ओए बाप रे कैसे काट रहा है नानी को, अच्छा मेरे बेटा आ जा जा जा, तो दोस्तों मेरे पति मेरे लिए आईफोन ले रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ इसमें कि भाई बाद में मना नहीं कर दे, तो ये एज अ प्रूफ पड़ा रहेगा मेरे पास में कि मेरे पति मेरा मेरे को आईफोन दिला रहे हो, पता और पता है पिछले बार पति ने क्या क्या था, मेरे लिए आईफोन ले रहे थे और खुद की पसंद का कलर ले लिया, खुद के अकॉर्डिंग जो चूज करना था सब ले लिया, और मुझे वो आईफोन पसंद ही नहीं था, अब फाइनली मेरा वाला आईफोन पति लेंगे और मुझे नया दिला रहे, तो आप लोग सुन लो, अगर नहीं दिलाए तो मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि नहीं दिला रहे झूठे अलग है, तो पति को बोल रही कि 515 नहीं 512 था ना, 512 था क्या, पति खुद की शक्ल ही देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं पति को बोल रही हूँ कि 512 GB वाला मेरे को दिला दो, तो मना कर रहे हैं और ऐसे सड़े सड़े बाहर ही लगा रहे हैं, मत अच्छा आदमी थोड़े दिन में दिलाई देंगे 512 वाला ही दिलाएंगे, और फिलहाल हम लोग थोड़े दिन में दो कमल पर वापस कब जा रहे हैं, यहाँ से कब निकल रहे हैं, दो दिन में, तो दो दिन बाद में हम जाएंगे कहीं, उसके बाद जाएंगे ससुराल बीकानेर, तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़े दिन बाद बताएंगे, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, तो पति की हरकत सुनो, पति क्या बोल रहे थे अभी, तुम क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे यार, एक तो ये ना सच में अलका दीदी के वो भाई बंदी रही है, अलका दीदी भी इतनी भयंकर कॉन्शियस होती है मोबाइल ऑन होते ही, और उतने कॉन्शियस पति जाते हैं, क्या बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे पति बोल रहे थे कि अब तो है ना लड़ाई कर ली, अब तो आईफोन वाईफोन गया भाड़ में, तो लड़ाई करने के बाद कौन सा आईफोन, नहीं नहीं मैं नहीं, पता एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि ना मेरे को सरप्राइजेस 1% भी पसंद नहीं है, बिल्कुल 0% पसंद है सरप्राइज, तो है ना जब शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे आता है, तो पति को ये तो पता था मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है, मतलब गिफ्ट वगैरह पसंद नहीं है, तो पति सोच रहे क्या दिलाऊं, तो इनको ये पता है कि मुझे सिलाई सबसे बढ़िया, जो सिलाई करना सबसे अच्छा लगता है, तो पति ने मेरे को सिलाई मशीन ऑर्डर कर दी, और वो आ गई जो मैं चलाती हूँ ना अभी, ये वाली इस टाइप की आ गई सेम टू सेम, और मैं जो चिल्लाई पति पे, पति सोच रहे एक तो गिफ्ट दो इनको, वो भी इनकी पसंद का, उसमें भी चिल्ला रही थी, मतलब मैं पति को बोली कि सब हर कोई तो मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और ये लगा जो है ना मेरे को पुरानी उस टाइप की मशीन दिला दी जो ये वाली हाथ से नहीं चलती ऐसी, अब मुझे पता लगा काश मैं उस टाइम पर वो ही ले लेती, क्योंकि ना जो हमारे पास अभी जो मशीन है ना वो है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है वो, अब वो इतनी बोरिंग मशीन है, मतलब इतनी धीरे धीरे चलती है, इतने बच्चों वाली मशीन है कि मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें चलाने में, मतलब सिलाई करने में मज़ा नहीं आता मुझे, मज़े सिर्फ इसी में आते हैं, इसलिए मैं जो भी सिलती रहती हूँ ना अभी उसी मशीन में सिलती रहती हूँ, बस तो मम्मी ने यार आईब्रो बनाई, मम्मी की आईब्रो है ना या तो कट लग गया या तो किसी कीड़े ने काट लिया, देख रहे हो कट लग गया क्या, ये तो लूज हो गई, ओए राम मम्मी, जो फिर मेरे ऊपर ऐसे सो रहा है बहुत देर से, ऊपर भी है ना पतियों में बात कर रहे थे तब भी आधे घंटे से ऐसे सो रहा था मेरे पे, मैं क्या करूँ, मुझे खाना बनाना है विद द हेल्प ऑफ मम्मी, क्या मतलब मम्मी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता, मम्मी तो पहले ही हंस रही है कि मतलब पहले करो कैसे भी हेल्प तो मम्मी एक तो जीरे नहीं देती, एक तो हमारे यहाँ ना खा भी ना अपनी मर्जी से नहीं सकते, मम्मी कह रही है आज क्या वार है मम्मी, आज गुरुवार है,
तो मम्मी ने बोला है कि आज उड़द की दाल नहीं बनेगी क्योंकि आज गुरुवार है, तो आपको येल्लो कलर का ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, या तो कड़ी बना लो। तो पापा छाछ नहीं खाते, दही और छाछ नहीं खाते, तो कड़ी भी कैंसिल हो गई। तो अब दाल बनानी पड़ेगी तुअर की। पर मेरे को दाल बाटी खाने की इच्छा कर रही है, पर मम्मी का क्या करे, मम्मी के साथ दिक्कत है। देखो कैसे मुंह बना रही दिखाती हूँ। मम्मी क्यों नहीं बन सकती दाल बाटी, बोलो ना। दे दिया एक बार। अब बनाते तुअर की दाल चावल। क्यों बनाते हो? मेरे मम्मी को बोला मैं अब थोड़ा शांत हो जाओ। तो मम्मी बोले क्यों शांत? देखो क्या करूँ मैं। अब बनाते दाल चावल रोटी और सब्जी, देखते किस चीज की हो। तो बस देखो यू करी दाल ही बनेगी आज, आज गुरुवार है, बस दाल ही, क्योंकि सब्जी का कलर भी कोई दूसरा कलर का आ जाएगा। अब क्या करें भाई, येलो कलर की सब्जी कौन सी होती है? अगर येलो कलर की सब्जी है तो वो बनाओ, अदरवाइज में बनाओ, क्या करें। अब चलो बनाते हैं मम्मी के अकॉर्डिंग खाना और दाल बाटी बनाएंगे कल। तो मिलते थोड़ी देर में। नानू जा रहे हैं फिर, काजू एकदम नानू के पीछे जाने को तैयार हो रहा है। पापा सामान ले जा रहे हैं कुछ, तो अब मुझे पहले खाना बनाने से पहले काजू जाना है। अलग ही टाइप की आफत है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब जब पापा जाएंगे तब तक काजू के पीछे पड़ेगा, तब तक मम्मा को भी साथ में जाना पड़ेगा। हाँ काजू, मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। काजू के फेवरेट है, यहाँ पे एक पापड़ है वो साबुदाने के, तो साबुदाने के पापड़ ढूंढती हूँ। मान तो ले लिए दोस्तों, मम्मी और पति की दुविधा। पति काजू कैसे दिखता है? मम्मी किस मम्मी काजू कैसे दिखता है? इनके जैसा। बताओ इन दोनों को काजू है ना, एक दूसरे जैसा दिखता है? कोई तो बोल दो, मेरे जैसा दिखता है ये। अरे कब से बोल रहे हैं ये, जब तो 6 महीने का था तब से बोल रहे हैं कि ये मेरी सासू माँ की तरह दिखता है काजू। ए भगवान। दोस्तों मेरे पति के ना काम कराने की स्कीम है कितनी भयंकर है। पति को पता नहीं क्या मंगाना है ऊपर से, तो मेरे से क्या बोल रहे हैं आईफोन नहीं चाहिए क्या? पता तो जब तक आईफोन नहीं मिलेगा तब तक मेरे साथ ऐसे करवाएगा। हाँ तो खाना मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है, दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी और आम रस। पता है आज क्या हुआ? आज किसी का इन्विटेशन आया है, मतलब वो रात की जगह कुछ होता है, क्या होता है जागरण, कोई जागरण है मतलब रिश्तेदारों के यहाँ पे, तो मम्मी को बुलाया है। अब मम्मी के साथ दिक्कत क्या हो रही है? उन्होंने बोला कि आज रात में जागरण है तो वहीं रुक जाना, वहीं सो जाना, और उसके सुबह सुबह खाना है तो खाना वाना खा के निकल जाना है ऐसे मॉर्निंग में। तो मम्मी का दिक्कत था क्या आ रही है? मम्मी कह रही मैं सोऊंगी कैसे, मेरी जगह इतनी पर्टिकुलर है कि जहाँ सोती है ना वहीं सोती है, अगर कोई बच्चा भी सो जाए ना मम्मी की जगह तो मम्मी उसको डर देती है कि नहीं भाई मैं ही सोऊंगी मेरी जगह पे, इतनी खतरनाक है। अब मम्मी परेशानी में पड़ी हुई है कि मैं करूँ क्या भाई, मैं कैसे सोऊंगी कहीं पे। तो खाना तो बन गया है, आमरस भिंडी सब्जी की मम्मी रोटी बनाई, देख रहे हो दूरदर्श। पति तो ऑफिस का काम कर रहे, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। वैसे तो मैंने एक दो बार आवाज़ें लगा दी, पर अब क्या करें, उनको टाइम ही नहीं है। ओ कमल तो आधे घंटे से बिजी चल रहे हैं, जब से मैंने बुलाया तब से। तो खाना मैंने हटा दिया, पापा ने खाना खा लिया था क्योंकि पापा ने डायबिटीज़ की गोली खा रखी है, तो जब तक वो डायबिटीज़ की गोली खा लेते ना, जब वो डायबिटीज़ की गोली खा लेते हैं तो उन्हें खाना खाना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने खाना खा लिया है, कमल का वेट हो रहा है कि कब आएंगे कब खाएंगे। मेरे भूलने के बाद मैं करूँ क्या, बाप रे पूरी रोटी चल गई। अभी भी उस रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, पापा कितना काम करते हैं, मेरे को देख देख के सर चकरा रहा है। अभी क्या हुआ, अभी पति था कॉल पे थे तो मुझे पता, ये तो बाल है क्या है? अभी पति कॉल पे थे तो मुझे पता नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं स्क्रीन की तरफ, और पति उनसे कुछ बोल रहे थे तो मेरे को लगा मेरे से बोल रहे थे, मैं वहाँ जाके तेज तेज आंसू गिरने लग गई, बाप रे। मैं पति ने फिर म्यूट करके बोला तू चुप हो जा वहाँ किधर से। पति पता नहीं देर में खाना खाएंगे, बस हो गया अब तो, मेरा आती हो गई। अब देखो बिजी आदमी कितना भयंकर बिजी है, देख लो देख लो। पति इतने बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि पूछो ही मत। और देखो मेरी वॉल्यूम कितनी कम हो रखी है डर के मारे। और ये खाने में पड़ा हुआ है बीबी, इस खाने में भी कि इसमें सारी नमकीन निकाल दे, जो मीठा है ना मीठी वो निकाल दे, मतलब पता नहीं कहाँ का क्या कौन सा जिम कर रखा है, क्या नाटक लगा रखा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, मेरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है मतलब क्या चाह रहे हैं। और कट अलग दिखा रहे कौन से बॉडी है कट है, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या चीज़ जो आ रहे हैं, जो मुझे दिख नहीं रहे खैर, पर आ रहे पति के, मतलब पति मेरे से कह रहे हैं चुप हो जा मैं कॉल पे हूँ। बिजी पति, किस चीज़ को हटाना है इसके अंदर से?
कौन सी डाइट है याद नहीं आ रहा, मैं याद दिला देती हूँ। आप शायद मिठाई का कंपटीशन करते हो कि कौन कितनी मिठाई खाएगा। ये सेव ने क्या किया है, ये इसको भी हटवा रहे भगवान हमें। हटा रहे पटाख से? हाँ हटा रही हूँ, नाटक कर रहे। वो इतने बिजी, मुझे इतना चुप कराया, इतना चुप कराया कि मैं ना इरिटेट हो गई। बस पति के साथ में रहने का यही डिसएडवांटेज है कि मुंह बंद रखना पड़ता है, क्योंकि पति जिस रूम में बैठे हैं वहां पे जाओ मत। और खुद ही हटा रहे, खुद ही हटा रहे नमकीन। जल्दी हट, खुद ही हटा रहे, खुद ही हटा रहे, खुद ही हटा दिया ना, हटो। ओ आज तो सुंदर लग रहा है भाई, चमक रहा है भाई। काला सफेद वो वाला दिक्कत है, इसलिए मैं ना एक फ्रेम में हम दोनों को ले भी नहीं थी साथ में। अगर हम दोनों एक फ्रेम में आएंगे ना तो बाप रे दिन रात का अपरा दिखेगा। दिखाती हूँ, दिख रहे हो इतना खतरनाक फर्क है ना। थोड़ा सा इनके ऊपर कलर पोतना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा काला कलर का, तब जाके ना ये मेरे शेड के आएंगे। क्या कर रहे हो? अरे सब कुछ क्यों हटाया यार? तो यार इतना मुश्किल है तो मैं मसाज बना रहा हूँ। कौन से दाल? अभी दाल बहुत अच्छी है, और भिंडी सब्जी ये मम्मी ने बनाई है। दाल तो बहुत अच्छी है, दाल दाल तो मैंने बनाई है, दाल इतनी टेस्टी है। दाल मेरे को पता है पति का स्वाद किस टाइप की दाल पसंद है, तो मैंने वैसी बना दी। पति तारीफ तो दाल की कर रहे थे, मंगा भिंडी सब्जी रहे लाते हैं। मम्मी दोस्तों मम्मी फिर आई है, और काजी देखो कैसे भागते हुए जा रहा है, छुप रहा है मम्मी से। छुपेगा क्या? निकल जा, यूं बोला निकल जा। चिल्ला रहा हूँ मैं आप पे। आ गया मैं, आ गया कजन, नानी आ गई। ओ गेट लगा दिया नानी के ऊपर तो। अरे भगवान जाओ भागो, कैसे आ गई ऊपर? अरे बाप रे लग जाएंगे भाई, कैसे भाग रहा है ये लड़का। हे भगवान, छुप जा छुप जा छुप जा छुप जा। नानी आ गई, नानी आ गई, नानी आ गई। बिल्कुल नीचे छोड़ के आएगा मैं आपको। अरे काजू की हरकत है, पूरी दीवार इसने खोद दी इस लड़के ने। देखो कैसा तो है ये, कैसा है ये, अभी भी खोद रहा है। देखो ये गिरा हुआ है इसका, ये हम नानी जा रही है। काजू क्या कर रहा है तू? चलो चलो इधर रुक जा। मतलब नानी को आने भी नहीं दे रहा, बोल रहा है कि जाओ भी मत। टच भी क्यों होते हो मेरे, और टच भी करवा रहा है अभी। नहीं हाथ तो दर्द, हाथ तो जलता नहीं है भैया। बाय बाय, चलो बाओ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 या 7 बज रहे हैं। हम खाना वाने से तो खाना इतना लेट खाया है कि क्या ही बताया, तो अभी तो भूख लग नहीं रही है। और पति सो रहे हैं, मम्मी पापा नीचे काजू को संभाल रहे हैं, और मैं फ्री बैठी हूँ। और जो मैंने ये सिल रही थी ना, ये देखो आप, ये जो था ना, ये मेरी इस शर्ट बनाई थी मैं, इस शर्ट थोड़ी तो सिल गई, दिख रही है बिल्कुल फ्री साइज, बिल्कुल लूज सिल रही हूँ मैं शर्ट। जो बनाई देती हूँ, क्योंकि मुझे कल या परसों निकलना है, तो कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि मेरे पास में। कल मुझे बैंक का थोड़ा बहुत काम करना है, और एक दीदी भैया के यहाँ जाना है, कि आज जाने वाले थे बट आज थक गए वो चारा, तो दीदी भैया के भी जाना है, तो कल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आज ही मैंने सोचा है कि अभी सिल्की सो कंप्लीट करती हूँ, और आज काफ़ी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये शर्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि ये कपड़े कैसा लग रहा है, कि किसी पैंट भी सिल गई है और शर्ट भी सिलने वाली है अभी। Thank you.